दोस्तों, आपने कभी ना कभी ट्रेन का सफर तो किया ही होगा। जब ट्रेन अलग अलग रास्ते से गुजरती है तो बहुत मजा आता है, लेकिन कभी कभी यही मजा साजा में बदल जाता है और कई बार ऐसे हादसे हो जाते हैं जिनसे हमारा दिल दहल जाता है। और कभी कभी तो सफर इसलिए डरावना हो जाता है क्योंकि ट्रेन ऊंचे पहाड़ों, तीखे मोड़ों से, ऊंचे और खतरनाक ब्रिजों से होकर गुजरती है और उस समय ट्रेन में बैठे यात्रियों की धड़कने काफी तेज हो जाती है और डरपोक लोगों के लिए तो ये रेलवे ट्रैक बिल्कुल भी नहीं होते। तो आइए आज मैं आपको बताऊंगा ऐसे ही खतरनाक रेलवे ट्रैक्स के बारे में। तो चलिए चलते हैं एक रोमांचक सफर पर। नंबर 1, डेथ रेलवे। थाईलैंड में मौजूद ये रेलवे ट्रैक करीब 40 से 50 किलोमीटर लंबा है, जिसे दुनिया में डेथ रेलवे नाम से जाना जाता है। थाईलैंड की सरकार ने इस रेलवे ट्रैक की शुरुआत बर्मा और थाईलैंड को आपस में जोड़ने के लिए भी की थी, लेकिन 1947 में हुए एक हादसे की वजह से इस रेलवे ट्रैक को परमानेंट बंद कर दिया गया, जिसे जानने के बाद आपकी रूह कांप जाएगी। दरअसल जब इस रेलवे ट्रैक को बनाया गया था, उस समय हुए एक एक्सीडेंट की वजह से करीब 90,000 से ज्यादा वर्कर्स ने वाई नदी में गिरकर अपनी जान से हाथ धो बैठे थे और तभी से इस रेलवे ट्रैक को डेथ रेलवे ट्रैक कहा जाने लगा। इसे बंद करने के करीब 10 साल बाद कुछ कारणों की वजह से इसे फिर से दोबारा खोल दिया गया। यहां तेज हवाओं के साथ ट्रेन की फड़फड़ करके चलने की आवाज और जमीन से इसकी खतरनाक ऊंचाई दिल को दहला देती है, जो इसमें बैठे हुए लोगों को हर पल मौत का एहसास करवाती रहती है। इस ट्रेन में सफर करना कमजोर दिल वालों के बस में तो बिल्कुल भी नहीं है। नंबर 2, नेपियर गिस्बोन रेलवे। इस रेलवे ट्रैक को देखने के बाद एक बात समझ नहीं आती कि ये रेलवे ट्रैक है या फिर कोई एयरपोर्ट। दरअसल हकीकत में ये रेलवे ट्रैक और एयरपोर्ट दोनों ही है। यहाँ पर मौजूद ये रेलवे ट्रैक इस एयरपोर्ट के रनवे के बिल्कुल बीचों बीच से होकर गुजरता है और कभी भी इस ट्रेन को इस रेलवे ट्रैक से गुजरने के लिए एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम से परमिशन लेनी पड़ती है। अगर एयरप्लेन लैंडिंग के काफी करीब होता है तो फिर ट्रेन को रोक दिया जाता है, या फिर टेक ऑफ से पहले यहाँ से ट्रेन गुजरनी होती है तो उस समय एयरप्लेन को रोकने के लिए कहा जाता है। इस रनवे से गुजरने वाले रेलवे ट्रैक को कुछ इस तरीके से तैयार किया गया है कि यहाँ जहाज की लैंडिंग के समय कोई दुर्घटना ना हो जाए। दरअसल यहाँ पर ये रेलवे ट्रैक पहले से ही मौजूद था, लेकिन इसके बाद यहाँ पर एयरपोर्ट की कंस्ट्रक्शन का फैसला लिया गया क्योंकि इस शहर में एयरपोर्ट के लिए कोई और जगह सुइटेबल नहीं थी। पर अगर यहाँ पर किसी एयरप्लेन को इमरजेंसी में लैंडिंग करवाना होता है तो यहाँ पर कोई बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है। नंबर 3, ट्रेन टू द क्लाउड्स। अब जरा नजर मारिए इस रेलवे ट्रैक पर जो अर्जेंटीना में बना है, जिसे ट्रेन टू द क्लाउड्स के नाम से जाना जाता है और ये दुनिया के सबसे खतरनाक रेलवे ट्रैक में से एक है, जिसे 1948 में बनाया गया था, जिसे पूरा बनकर तैयार होने में 30 साल का समय लग गया था। इस रेलवे ट्रैक को ट्रेन टू द क्लाउड्स के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि इस रेलवे ट्रैक को जमीन से 4,300 मीटर की ऊंचाई पर बनाया गया है। जब ट्रेन यहाँ से गुजरती है तो उसमें बैठे हुए लोगों को ऐसा ही लगता है जैसे वो बादलों की सैर करने निकले हों। जब भी कोई ट्रेन इस ब्रिज के ऊपर से गुजरती है तो ये लोहे का ब्रिज थरथराकर कांपने लगता है और इतनी ऊंचाई की वजह से ट्रेन में बैठे पैसेंजर्स की सांसें ही फूल जाती है। इस ब्रिज के इतनी ऊंचाई में होने के कारण इसकी डेली जांच की जाती है ताकि किसी बड़े हादसे को होने से रोका जा सके। अगर इस ट्रैक में जरा सी भी गड़बड़ दिखाई देती है तो ट्रेन को उसी समय रोक दिया जाता है और उस ट्रैक के दोबारा मरम्मत करने के बाद उस ट्रेन को चलाने की परमिशन दी जाती है। नंबर 4, एसो मिनामी रूट। जापान में मौजूद एसो मिनामी रूट दुनिया के सबसे खतरनाक ब्रिजों में से एक है क्योंकि यहाँ से गुजरने वाली ट्रेन इस बहुत पुराने और खतरनाक ब्रिज से होकर गुजरती है। ये पुल इतना खतरनाक और इतना पुराना है कि इस पर अच्छे से अच्छे पायलट भी ट्रेन को लेकर जाने से डरते हैं क्योंकि इस रेलवे ट्रैक पर तो छोटी सी गलती की भी गुंजाइश नहीं है। और इस रेलवे ट्रैक को सबसे ज्यादा खतरनाक बना देता है इसके पास में भी मौजूद एक ज्वालामुखी। ये ज्वालामुखी जापान का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है जिसमें आग धौलती रहती है। भगवान करे ऐसा कभी ना हो, लेकिन अगर ये ज्वालामुखी फटा तो इस ट्रेन के और इस रेलवे ट्रैक के कई टुकड़े करके अपने साथ ले जाएगा और उस समय ट्रेन के अंदर बैठे यात्रियों के साथ क्या होगा उसका अंदाजा तो आप खुद से ही लगा सकते हैं। लेकिन फिर भी सैलानियों की इन वादियों का मजा लेने के लिए और इस ट्रेन का सफर करने के लिए लाइन लगी रहती है। नंबर 5, डेविल्स नोज ट्रेन। इस रेलवे ट्रैक के नाम से ही ये पता लगाया जा सकता है कि ये ट्रेन कितनी खतरनाक हो सकती है। हमें दुनिया भर में इंजीनियरिंग के कई सारे नमूने देखने के लिए मिल जाते हैं, लेकिन 1902 में बना ये रेलवे ट्रैक आज की इंजीनियरिंग के रेलवे ट्रैक को टक्कर देते हुए दिखाई देता है। ये रेलवे ट्रैक काफी ज्यादा खौफनाक दिखाई देता है क्योंकि ये समुद्र तल से 9,000 फीट की
ऊंचाई पर मौजूद है। वैसे तो इस ट्रेन का नाम डेविल के नाम पर रखा गया है, लेकिन यहाँ पर एक गलती इंसान को यमराज से मिलाने की टिकट काट सकती है। आपको बता दूं कि जब इस रेलवे ट्रैक का निर्माण किया जा रहा था, तब यहाँ पर काम कर रहे कुछ वर्कर्स यहाँ से नीचे गिरकर अपनी जान से हाथ धो बैठे थे, जिनमें से कईयों की बॉडी तो आज तक नहीं मिल पाई है, क्योंकि ये रेलवे ट्रैक चट्टान के साथ साथ जंगल से सटा हुआ है। यहाँ पर बहुत से खूंखार जानवर रहते हैं। लोगों का ऐसा मानना है कि उन खूंखार जानवरों ने ही उन्हें खा लिया होगा। अब ऐसे में इस ट्रेन का सफर करते हुए लोगों को इस हादसे के बारे में जब पता चलता होगा, तब उनके दिल पर क्या बीती होगी उसका मैं और आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। नंबर 6, व्हाइट पास एंड यूकॉन रोड। दोस्तों, अलास्का की ये पहाड़ियाँ सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है, और इसी खूबसूरती में 4 चांद लगा देते हैं यहाँ पर बना ये रेलवे ट्रैक। अलास्का की पहाड़ियों से गुजरते हुए ये रेलवे ट्रैक तकरीबन 172 किलोमीटर लंबा है, जो पूरे साल के हर समय बर्फ से ही ढका रहता है। अलास्का के सबसे ऊंचे पहाड़ व्हाइट पास के नाम पर ही इस रेलवे ट्रैक का नाम रखा गया है। इस रेलवे ट्रैक से इन पहाड़ों का खूबसूरत व्यू तो देखने को मिलता है ही, वहीं साथ ही इसके साथ एक बहुत ही गहरी खाई मौजूद है, जो किसी के भी दिल को दहला देने के लिए काफी है। क्योंकि अगर गलती से भी यहाँ पर कोई हादसा हो जाए और ये ट्रेन खाई में जाकर गिर जाए, तो फिर किसी का भी जिंदा बचना नामुमकिन है। नंबर 7, जॉर्ज टाउन लूप रेल रोड। इस रेलवे ट्रैक को देखने के बाद ये समझ नहीं आता कि क्या कभी कोई रेलवे ट्रैक इतना पतला भी हो सकता है। अमेरिका के कोलोराडो में बना ये रेलवे ट्रैक काफी पतला तो है ही, और साथ ही इस पर इतने तीखे मोड़ हैं कि यहाँ पर गुजरने वाली ट्रेन को काफी धीरे और बहुत ही सावधानी से यहाँ से गुजारा जाता है, क्योंकि अगर यहाँ पर लोको पायलट से थोड़ी सी भी गलती हुई तो ये ट्रेन सीधा नीचे जाकर गिरेगी। 1887 में बना ये रेलवे ट्रैक 2 पहाड़ियों को आपस में जोड़ने के लिए बनाया गया था, लेकिन यहाँ पर इतने ज्यादा हादसे हुए कि इसे 1939 में बंद करना पड़ा। फिर इस रेलवे ट्रैक में बहुत सारे बदलाव किए गए और 1984 में इसे फिर से ओपन कर दिया गया। वैसे तो ये रेलवे ट्रैक सिर्फ 7 किलोमीटर जितना ही लंबा है, लेकिन इस रेलवे ट्रैक का इतना खतरनाक होने के बावजूद इसे पार करने में 1 घंटे से भी ज्यादा का समय लग जाता है। नंबर 8, मैकलोंग रेलवे मार्केट ट्रैक। दोस्तों, क्या हो अगर कोई ट्रेन मेन मार्केट के बीच में से होकर गुजरने लगे, वो भी लोगों के इतने पास कि लोगों को उस ट्रेन से अपना सम्मान बचाने के लिए साइड में करना पड़ जाए। यकीन नहीं होता ना, तो आप खुद ही देख लो थाईलैंड में बने इस रेलवे ट्रैक को। इस रेलवे ट्रैक का नाम है मैकलोंग रेलवे ट्रैक। ये ट्रैक थाईलैंड के मेन मार्केट के बीच में से होकर गुजरता है। ये ट्रैक और ट्रेन कितना खतरनाक है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब यहाँ से ट्रेन गुजरती है तो बीच में खड़े बंदों और ट्रेन के बीच में 1 फुट से कम का फासला बचता है, और ऐसे में अगर कोई ट्रेन की चपेट में आ गया तो उसका मरना तय है। लेकिन सबसे हैरानी की बात तो ये है कि आज तक यहाँ पर एक भी घटना सामने नहीं आई जब ट्रेन मार्केट से गुजरती है तो वहाँ पर कोई घटना न हो जाए। इसके लिए यहाँ के लोग काफी सावधानी रखते हैं और गुजरने वाली इस ट्रेन के लिए रास्ता भी बनाते चलते हैं। जैसे ही ट्रेन मार्केट से गुजर जाती है तो मार्केट को दोबारा से उसी तरह सजा दिया जाता है। नंबर 9, रामेश्वरम रेलवे ट्रैक। समंदर के ऊपर बनाया गया ये रेलवे ट्रैक भारत के दूसरे सबसे खतरनाक रेलवे ट्रैक है, जो तमिलनाडु को रामेश्वरम से जोड़ने का काम करता है। 1914 में बनाकर तैयार किया गया ये रेलवे ट्रैक करीब 2 किलोमीटर लंबा है। ये भारत का दूसरा सबसे खतरनाक रेलवे ट्रैक होने के साथ साथ दूसरा सबसे लंबा रेलवे ब्रिज भी है। समुद्र की लहरों और तेज हवाओं को चीरती हुई ये ट्रेन अंदर बैठे यात्रियों के रोंगटे खड़े कर देती है। इतना ही नहीं, इसके ऊपर ज्वारभाटा की आई लंबी लंबी लहरें भी पहुंच जाती है। ऐसे में इस ट्रेन में बैठे यात्रियों के लिए ये रेलवे ट्रैक और भी ज्यादा खतरनाक बन जाता है। नंबर 10, NDNW रेलवे रूट। तो दोस्तों, फाइनली अब बात करते हैं दुनिया के सबसे खतरनाक रेलवे ट्रैक की। आप इस रेलवे ट्रैक के इन टेढ़ी मेढ़ी पटरियों को देखकर समझ ही गए होंगे कि ये रेलवे ट्रैक कितना खतरनाक होगा। जहां ट्रेन को चलने के लिए एकदम सीधे रेलवे ट्रैक की जरूरत होती है, वहीं इस ट्रेन के ज्यादातर पटरियां टेढ़ी मेढ़ी और ऊपर नीचे हैं। इसलिए इस रेलवे ट्रैक पर आए दिन हादसे होते ही रहते हैं, और साथ ही इन ट्रेन के डिब्बों में हैवी लोड होने के कारण कभी कभी तो ये पटरियों से पलट भी जाते हैं। लेकिन ये रेलवे ट्रैक ऐसा क्यों है और इसे ठीक क्यों नहीं किया जा सकता? दरअसल इस ट्रैक का हिस्सा जो जंगल से होकर गुजरता है, वहाँ की मिट्टी काफी ज्यादा गीली होती है, जिसकी वजह से यहाँ का रेलवे ट्रैक का बहुत बड़ा हिस्सा जमीन में बैठ गया है। बहुत बार इस रेलवे ट्रैक को ठीक करने की कोशिश भी की गई है, लेकिन जमीन के काफी ज्यादा नरम होने के कारण वर्कर इसे रिपेयर करने में हमेशा नाकाम ही रहे। इसलिए किसी भी हादसे को रोकने के लिए यहाँ से गुजरने वाली ट्रेन को काफी धीरे कर दिया जाता है। तो दोस्तों, यही थी कुछ आज की खतरनाक ट्रेन। आपको कौन सी
बढ़िया लगी कमेंट में जरूर बताना, और कमेंट्स में ये भी बताना कि आप इनमें से किस में सफर करना चाहोगे। तब तक के लिए अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।